सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। क्या आपको ये पता है कि ये जो शिनको है वो आखिर शिनचैन की क्या लगती है, या फिर क्या डेके सुगी नोबिता की तरह शिजुका को पसंद करता है, या फिर ये जो नोबिता है वो यार इतना ज़्यादा शादी या फिर शिजुका के पीछे क्यों पागल है यार। इन सारे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और यार बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। आप लोगों के लिए ये छोटा नंबर होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है यार। आप लोग खुद सोचो कि जब 100 लोग लाइन से खड़े होते हैं तो कितना ज़्यादा लंबा लाइन हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग चाहो तो मुझसे रिलेटेड या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में मुझसे रिलेटेड और मेरे चैनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आज आप लोग पूछ लो, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लो। और जो अगले वीडियो आएगी उसमें मैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। इसका मतलब कि छोटा सा क्यू एन ए हम लोग कर लेंगे। और यार यूँ ही सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सर नंबर वन जो है कि क्या डेकी सुगी भी नोबिता की तरह शिजुका को पसंद करता है। तो यार इसका जो जवाब है वो सीधे सीधे है नहीं, क्योंकि यार वो जो डेकी सुगी है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और यार जो टॉपर लोग होते हैं उनकी थिंकिंग कुछ और ही होती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो यार उसका जो ध्यान रहता है डेकी सुगी का वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहता है। नोबिता को सिर्फ ऐसा लगता है कि जो डेकी सुगी है वो शिजुका के पीछे पड़ा रहता है। सो यार डोरेमोन देखते टाइम कभी ना कभी आप लोगों ने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि यार नोबिता भी सिर्फ 10 साल का, और यार वो सोचता है शिजुका से शादी करने के बारे में। और यार ऐसे ही कुछ बातें सोचता रहता है दिन भर। और अभी यार समझने वाले तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। सो यार नोबिता जो है वो आखिर ऐसा कैसे सोच सकता है यार, अभी तो वो सिर्फ 10 साल का है। सो यार फाइनली इसका जवाब मुझे मिल चुका है। एक एपिसोड में जो नोबिता होता है वो सबसे परेशान होकर एक आइलैंड पर चला जाता है, और फिर यार वो वहाँ पर जाके खो जाता है। कुल 10 से 15 साल बाद जो डोरेमोन होता है वो उसको वापस से ढूंढ लेता है। वापस से डोरेमोन उसको घर पे लाकर टाइम मशीन से वापस उसी रात को ले जाता है जिस रात को नोबिता घर से निकला था, और फिर उसको जो टाइम क्लॉथ से वो वापस उसको छोटा कर देता है। इसी वजह से यार जब उसका दिमाग रहेगा 20 साल के लड़के जैसा और शरीर रहेगा 10 साल के लड़के जैसा, तो यही ना वो सोचेगा। सर अब लास्ट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जो शिनको है वो शिनचैन की क्या लगती है। सो यार इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो यार किसी को नहीं पता, मैंने गूगल पे काफ़ी सर्च किया, लेकिन यार इस पर दो थ्योरी है कि या तो ये हिमावारी हो सकती है जो कि बड़ी हो चुकी है और टाइम मशीन से वापस आती है अपने परिवार से मिलने, या फिर ये शिनचैन की बेटी हो सकती है। सो यार आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी नेक्स्ट टारगेट है हम लोग का 200 सब्सक्राइबर का, तो फटाक से कंप्लीट कराओ। कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, और मुझसे और मेरे चैनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछना चाहते हो वो पूछ लेना आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना।